हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनिष्का प्रवीण झा। तो मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था। तो यहाँ पे ना ऐसा कुछ होने वाला है कि मैं अपनी छोटी बहन को ना 500 रुपीज़ दूंगी चैलेंज के लिए और बोलूँगी कि इतने में ही तुम्हें बहुत बेस्ट आउटफिट निकालना है। और वो देखती हूँ मैं क्या बेस्ट एसेसरीज़ के साथ, तो देखती हूँ मैं वो क्या लेकर के आती है 500 रुपीज़ में। जस्ट इन 500 रुपीज़ सरोजनी के लिए बहुत है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैंने बजट नहीं रखा है वरना बहुत कुछ एक्सप्लोर हो जाएगा, तो इसलिए देखते हैं कि क्या है। और वैसे भी सरोजनी में मैं आ गई हूँ, हम तो झोला उठा के चले, तो देखती हूँ कि क्या क्या मिलता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेती है ये। तो वो सारी चीज़ें मैं, आप वीडियो पे पूरी बने रहिएगा सो डैट कि आपको पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो यस, चलिए चलते हैं फिर। तो यहाँ से मैं एंट्री ले रही हूँ सरोजनी मार्केट में, और यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आप लोग मेट्रो से आ रहे हो तो ये सामने ही सामने जैसे एग्जिट करोगे ना तो डायरेक्टली आप लोग सरोजनी मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हो। ये वाला रूट ज़्यादा सही है। और अगर आप लोग कैब से भी आते हो तो वहाँ से भी एंट्री लेने का है रास्ता, बट क्या होता है कि थोड़ा वॉकिंग हो जाता है, कार पार्किंग के बाद हमें अंदर आना पड़ता है। फिर आप देखोगे मार्केट में कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे 100 रुपीज़ में सारे टॉप मिल रहे थे, मतलब चॉइसेस थे, क्रॉप टॉप ही थे, लॉन्ग टॉप ही थे। मुझे ये कुछ पसंद आया था थोड़ा बहुत, बट फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ ज़्यादा फंकी टाइप हो जाएगा तो मैंने वापस इसको रख दिया। और भी मैं कलेक्शन देखने लगी थी कि मुझे कुछ अच्छा कुछ खास दिखे, क्योंकि अभी तो जस्ट मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। फिर थोड़ा आगे बढ़ी ना तो यहाँ पे ये कुर्ती सारे दिख रहे थे जो कि 650 रुपीज़ में थे सारे के सारे, मतलब फिक्स प्राइस ही थे, ऐसा नहीं था कि आप बार्गेन कर पाओ यहाँ पे। मैंने कोशिश करी थी बट बार्गेन नहीं कर रहे थे वो लोग। फिर और भी शॉप पे जाने पे ना यहाँ पे ट्राउज़र वगैरह, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल हो गए या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल, वो लोग ना ये वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये सामने को स्कर्ट पसंद आया, 200 रुपीज़ का था, येस ये 200 का था, येस एंड ये पसंद आया सामने को, उसने ले लिया ये वाला। फिर हम लोग आगे गए कि ठीक है, जब बॉटम हो गया तो हम लोग को टॉप वेयर भी देखना था, तो ऊपर में सामने को देखना था कि क्या मिल सकता है। प्लस उसे ना जीन्स भी लेनी थी, तो वो ना जीन्स कलेक्शन में गई देखने को कि क्या क्या है ऑप्शंस, और उसमें से सान्या को ना एक पसंद आया था जीन्स, और वो देख रही थी, रेंज पता कर रही थी कि क्या चीज़ है, बट बहुत ही ज़्यादा हाई बता रहे थे भैया, 550 बता रहे थे इन सरोजनी, तो उसने नेगलेक्ट कर दिया। जीन्स पसंद आई बट उसने बार्गेन करने की कोशिश की, बट कुछ खास बार्गेन हुआ नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं मार्केट में तो वहाँ देखते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े यहाँ से, इस स्टॉल से पहले यहाँ पे तो जीन्स के साथ साथ ना यहाँ पे और भी कलेक्शन थे शूज़ और सैंडल्स के, बट हमने अवॉइड करे, हमें नहीं चाहिए थे। तो आगे गए तो यहाँ पर ना बहुत सारे अंगूठी रखी हुई थी, जो शॉप थी ना यहाँ पे फिंगर रिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी थी। यहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हो ये सारी चीज़ें, जो भी यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन मिल जाते हैं। प्लस मुझे ना बगल में क्लचर के शॉप दिखे, मतलब एक ठेला लगा था स्टॉल टाइप का, तो उसमें से ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये क्लचर वगैरह का कलेक्शन रखना। पता नहीं क्यों मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना एक दो क्लचर तो लेके ही आती हूँ, तो मेरे मुझे ना उसमें से भी मतलब अच्छा 50 रुपीज़ में ना 3 जारे से क्लचर दे रहे थे, तो मैंने उसमें से अपने लिए खरीद लिए। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6 क्लचर्स खरीदे होंगे, ऐसे मैंने स्टॉक जमा करें जैसे मैं वापस आने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मुझे पसंद है तो मैंने ले ली, छोटे छोटे क्लचर थे। प्लस आगे बढ़ी तो यहाँ पे ना पेंडेंट बहुत सुंदर सुंदर थे, समर कलेक्शन के थे, जैसे आप देख सकते हो ये येलो कलर का जो सनफ्लावर टाइप का था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उसमें से मैंने सान्या को एक दिला दिया। प्लस यहाँ पे ना प्लाजो और कुर्ती सेट था 280 रुपीज़ का, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बट क्वालिटी वाज नॉट बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, क्वालिटी इट वाज लाइक ओके ओके टाइप। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्वालिटी ढूंढोगे तो भाई सरोजनी में आई डोंट थिंक ये मिलने वाला है इस प्राइस में। प्लस यहाँ 50 रुपीज़ में ना अच्छे खासे टॉप थे, बट दिख रहे थे कि ये 50 रुपीज़ के हैं, तो जिनको चाहिए होता है वो तो ले ही लेते हैं, बट मुझे पसंद नहीं आया, कुछ खास लगा नहीं। आप देखे होंगे 280 का पीछे ना मैंने एक स्टॉल पे दिखाया आपको प्लाजो कुर्ती सेट, और यहाँ पे आगे बढ़ी तो 300 में प्लाजो कुर्ती सेट दे रहा था। तो जैसे ना कपड़े के यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे प्राइस के भी बहुत सारे चॉइस मिल जाएंगे, तो डू नॉट गेट स्टिक विथ वन स्टॉल ओनली, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे पूरे मार्केट अच्छे से, फिर ही आप डिसाइड करो कि आपको कौन से जगह से लेने हैं। ओके, तो बार्गेन वाली प्लेस है, अच्छे से अच्छे मतलब ज़्यादा लेना है अगर आपको बहुत सारे शॉपिंग करने अच्छे प्राइस में, तो आप बार्गेन अच्छे से कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आप देखो शर्ट वगैरह भी अच्छे प्राइस में मिल रहे थे, ये शर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी पसंद आया मुझे, इसकी क्वालिटी ठीक थी, मतलब लेने लायक थे, बट हमें पसंद नहीं था ये, मतलब हमारी चॉइस का नहीं था तो हमने नहीं लिया। 100 रुपीज़ में ये टैंक टॉप टाइप भी चीज़ें थी, इसमें से सामने देख रही थी कि इसको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं, तो इसमें से उसको जो कलर चाहिए था ना वो कलर थे नहीं, और उसने बोला कि चलो ठीक है आगे और एक्सप्लोर करते हैं, ये सारी चीज़ें ना वापस से आगे जाके भी शॉप में मिल जाएंगी। तो अभी जस्ट हम मार्केट में इंटर ही हुए थे तो हमने सोचा कि चलो और आगे भी देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें मेट्रो की तरफ ही जाना है वापस रिटर्निंग में, तो हम यहाँ से होते हुए लेते हुए चले जाएँगे। प्लस यहाँ पर ना जितने भी टॉप थे, जितने भी फ्रॉक टॉप, मतलब फ्रॉक टाइप टॉप थे,
वो सारी टॉप भी बहुत ही अच्छे 350-450 रेंज में मिल रहे थे। तो ऐसा था ना कि उसके क्वालिटी को ज़्यादा खास नहीं था, दाम के हिसाब से अगर आप देखो ना, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप लगा लो तो उतना कुछ खास नहीं था। प्लस यहाँ पर ना जो ये मुझे पैंट दिखा, स्ट्रेट पैंट वगैरह जो भी कह लो इसको आप, पैंट बोल दो, बट मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं इसका कलर वगैरह। क्या था कि जब आप ऐसे देखते हो ना, मतलब सरोजनी का ऐसा सीन है कि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सुंदर है कैमरे में, बट जब आप सामने से देखोगे ना उस चीज़ को, तो आपको वो चीज़ उतना क्वालिटी में पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके ना स्टिच वगैरह सही नहीं होते हैं। अगर आप घर पर जाकर उसको ट्राई करोगे ना, तो आई डोंट थिंक वो प्रॉपरली आने वाला है आपको। अगर आ भी गया ना, तो जो हेल्थ वाले लोग हैं उसको पता नहीं कैसे आता, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रेफर इट। तो यहाँ पर फिर हम लोग आगे बढ़े, तो सरोजनी में आए तो कवर बनना तो बनता था, कवर नहीं है। लगी मुझे भूख बहुत ही तेज़ सरोजनी मार्केट घूमते घूमते, तो यहाँ पर हमने मोमोज़ खाए, बहुत ही वाहियात मोमोज़ थे, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल जचा नहीं मुझे। उसके बाद फिर हम आगे गए, तो हमें सान्या को ये दो टॉप पसंद आई, तो चलो ठीक है, हमारा तो बॉटम वेयर हो ही गया था, स्कर्ट और दो टॉप उसको पसंद आए, तो 500 में ये टोटल उसका परचेस था, दो टॉप और एक स्कर्ट। प्लस उसके बाद ना उसने एक जीन्स भी लिए जो कि बहुत ही अच्छे थे, ये श्रग जो था उसने लिए हैं उसके साथ पहनने के लिए। तो ये था हमारा मार्केट। सो गाइज, मैं अब आ गई हूँ घर पे, यहाँ पे घर पे शूट कर रही हूँ। मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा खड़े खड़े ना थकान हो गया, पूरे रास्ते कहीं सीट नहीं मिला बैठने को। एंड मेट्रो में ऐसे ही सिचुएशन हो जाता है कि कहीं पे भी जगह नहीं मिलती है बैठने को, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बहुत ही रेयर इन केस अगर चांस मिल गया तो, लक बाय चांस, तो ऐसा सीन है। और उसके बाद फिर सरोजनी में भी इतने सारे, मतलब कलेक्शन कुछ खास नहीं लगे मुझे, मतलब कुछ सो टाइप कलेक्शन था, मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। सरोजनी फ़िलहाल पता नहीं क्यों ऐसा ना ज़्यादा कुछ चॉइस ला नहीं रहा, ट्रेंडिंग होता है ना कि ट्रेंडिंग चीज़ें ला के रखे हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं था अभी सरोजनी में। तो गाइज जो जा रहे हैं वो सोच समझ के जाइएगा, और क्योंकि जाने के बाद तो मन करता है कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, लेकिन फिर ऐसा है ना कि आप जब मतलब इन्वेस्ट करो तो सोच के करो, ऐसी जगह पर करो जहाँ मतलब थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो। प्लस जो मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया वीडियो में कि जो सान्या का जो 500 का था वो अंडर 500 ही सारा आउटफिट था, तो यस वो आउटफिट मतलब बहुत ज़्यादा चुनने के बाद, कपड़ों में से बहुत सारे भीड़ में से चुनने के बाद हमें ये कलेक्शन मिला। तो ये है आप लोगों के सामने ये ब्लॉग, तो इसलिए यहाँ पे मैं अब एंड करती हूँ, क्योंकि मैं मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो गया, 3 बजे का निकले ना, मैं अभी गाइस यहाँ पे पहुँची हूँ घर पे, 9:30 हो रहे रात के, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो खैर लग गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, बाय।